कंटोला के सब्जी से एक नया तरीका से पकौड़ा बनाऊंगी। आप आ गए हो सहजे सुस्वादु किचन में, आपको वेलकम। तीन ठो बड़ा साइज का कंटोला वजन में 230 ग्राम हुआ है। अच्छे से धो के लेना चाहिए, इसके बाद इसे काट लीजिए, क्योंकि अगर आप पहले काट लेते हो सब्जी तो सब्जी का अंदर का जो वाटर सोल्युबल विटामिन मिनरल्स रहता है वो पानी के साथ निकल जाता है। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते तो ज़रूर कंटोला खाइए, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होता है और फाइबर में भरपूर होता है। कुकर के अंदर एक कप पानी के साथ कंटोला को दे के एक तो व्हिसल दे के ही तुरंत इसके अंदर का एयर निकल लीजिए। इससे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, इसके वजह से आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। एंटीऑक्सीडेंट में भरपूर होता है, इसलिए इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। तुरंत छालनी में डाल के इसको छान लीजिए और ठंडा पानी से धो के इसका टेम्परेचर रिड्यूस कर हाफ टेबल चम्मच सूजी, दो बड़ा चम्मच करके कॉर्नफ्लावर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, नमक एक छोटा चम्मच, 1/4 चम्मच करके चीनी, हल्दी, कलंजी, लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच खसखस, आधा छोटा चम्मच अदरक, हरी मिर्च देके थोड़ा थोड़ा करके बॉईल किए हुए कंटोला को जो पानी रहा उससे ही बैटर बना लीजिए। इसके अंदर का पोटेशियम मैग्नीशियम दिल के सेहत को बेहतरीन बनाता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रहता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ल्यूटीन, जियाजिन, ये यंगर लुकिंग स्किन देता है। 10 मिनट के लिए इसे ढक के रखिए, 10 मिनट बाद इसे फिर से खोल लीजिए। अब एक एक करके कंटोला यानी ककरोल को इसमें डिप करके डीप फ्राई कर लीजिए। मीडियम फ्लेम में रख के इसे फ्राई कीजिए, ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है ये सब्जी। कंटोला एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर में भरपूर होता है, डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन को मात्रा बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। एक ही तरीका से फिर से इसे फ्राई कर लीजिए। बन गया कंटोला के पकौड़ा। अगर रेसिपी अच्छा लगे ज़रूर एक लाइक दीजिए और सहज सुस्वादु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।